रिक्की बंच स्वागत है। अगवा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्मार्ट कार्ड घोटाले का मुख्य आरोपी डॉक्टर राजेंद्र बाथिया ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण के बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने उसे 12 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बता दें कि माना बस्ती के बनरसी में स्मार्ट कार्ड में घोटाले का मामला सामने आया है। इस घोटाले के जरिए सरकार को करीब 7 लाख का चूना लगाया गया था। घोटाले के मुख्य आरोपी के तौर पर गणपति अस्पताल के संचालक डॉक्टर राजेंद्र बाथिया, उसके सहायक रविदास ओगरे का नाम सामने आया है। नाम सामने आने के बाद बाथिया और उसके सहयोगी फरार हो गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने तलाशी तेज कर दी है। 4 महीने बीतने के बाद डॉक्टर बाथिया ने खुद ही पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। फिलहाल अभी भी एक आरोपी फरार है, लेकिन सवाल उठ खड़ा हुआ है कि इस घोटाले को स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत के बिना आखिर कैसे अंजाम दिया जा सकता है। डॉक्टर बाथिया के खिलाफ स्मार्ट कार्ड घोटाले का केस था, जिसमें उसकी तलाश की जा रही थी। आज उसके द्वारा माननीय सीजेएम कोर्ट में सरेंडर किया गया है। कोर्ट द्वारा उसको 12 फरवरी तक के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।